Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So if you are seeing this face for the very first time, then hi I'm Shreya. On this channel, I create content related to fashion and beauty. So if that's something that interests you, then do consider subscribing to my channel. So as you guys know that I shop a lot from Amazon. Like the top that I'm wearing today, the neck piece that I'm wearing. Earrings that I'm wearing, everything is from Amazon. This top I have shared in my previous tops haul wala video, so you can definitely check that out. In this video, we will talk about some footwear pieces that I got from Amazon. So as I said, that I have tried their fashion stuff, their jewelry stuff, uh, their beauty stuff, but I haven't tried uh, footwear from Amazon. I guess I'm right. No, actually I have tried uh, one of their footwears, which I have shared in this uh, Amazon challenge video. In this video, I have top टू बॉटम लुक क्रिएट करा था फ्रॉम एमेजो दैट टू अंडर अट्रिक्टीन हंड्रेड इफ यू आर माई रेगुलर व्यूअर और सब्सक्राइबर देन यू नो दैट आई ऑलवेज शॉप अंडर अ बजट सो आज की जितनी भी मैंने शॉपिंग करी है दैट इज ऑल्सो अंडर अ बजट सो मैंने आई गेस फोर हंड्रेड के अंदर ही सारे फुटवेयर लिए हैं एंड आई हैव फोर पेयर राइट इन फ्रंट ऑफ मी सो so, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमेज़न के फुटवेयर के बारे में सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉच ओके गाइस तो मैं पहले ही बता दूं कि मैंने इस हॉल में मोस्टली uh, सारे फ्लैट्स ही पिक करे हैं बिकॉज uh, मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फ्लैट्स ही लगता है वैसे तो इन रेगुलर बेसिस मुझे शूज़ पहनना सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है बेस्ट एंड कम्फर्टेबल लगता है शूज़ के बाद अगर मुझे कुछ और पसंद है पहनना जो मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो दैट आर फ्लैट्स वैसे भी मैं ज़्यादातर फ्लैट्स ही प्रेफर करती हूँ ओवर हील्स और समथिंग एल्स बिकॉज यू गाइज नो दैट मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो हील्स पहनने के बाद और ज़्यादा हो जाता है सो यस आई प्रेफर बाइंग फ्लैट्स मोर सो आज की वीडियो में आपको ज़्यादा से ज्यादा फ्लैट्स देखने को मिलने वाला है ओके सो द वेरी फर्स्ट पेयर ऑफ फ्लैट्स और सैंडल्स दैट आई पिक्ड फ्रॉम अमेजोन आर दीज एज यू गैस इस कैन सी दीज आर टोटली फ्लैट कुछ भी हिल नहीं है इसमें मैंने ये फ्लैट्स पिक करी हैं इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे वैसे मुझे इसका ब्लू वाला कलर लेना था बट देन आई थॉट की बेज ही पिक कर लेते हैं बिकॉज सब पे चला जाता है सो येस दिस कलर इज़ वेरी यूनिवर्सल एज यू गैस नो जो प्राइज़ मैंने इसके लिए पे करा है लाइक आई पेड आई गैस टू सिक्सटी समथिंग रुपीज़ एचुअल प्राइजे में सारी ही स्क्रीन पर फ्लैश कर दूँगी सो यस मैंने आई गेस टू सिक्सटी समथिंग इस फ्लैट के लिए पे करा है विच आई थिंक इज़ सो वर्थ इट बिकॉज इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है मैंने इतनी अच्छी सही में एक्सपेक्ट नहीं करी थी तो आपको एक ऐसा सिंगल स्ट्रैप मिल जाता है सामने फ्रंट में एंड देन uh, जो नॉर्मल जैसी सैंडल टाई अप टाइप की होती है ना वैसा आपको इधर पर एक बक, बकल वाला डिटेलिंग मिल जाता है सो so, बकल की क्वालिटी स्ट्रैप की क्वालिटी एवरी थिंग इज गुड फॉर द प्राइस दैट आई हैव पेड ऑब्वियसली बिकॉज इतने कम प्राइस में आप बिल्कुल टॉप नॉच वाली क्वालिटी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना सो so, जितना पे करा है उस हिसाब से क्वालिटी इज सो गुड एंड आई कैन सी माई सेल्फ वेयरिंग दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस बिकॉज मैंने इसे पहन के देखा था एंड दिस इज सुपर डुपर कंफर्टेबल सो जो इसकी सोल की क्वालिटी है दैट इज ऑल्सो प्रिटी कोड लाइक वो चीप वाला सोल नहीं है जैसे पहन के चलो तो ठक 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 आवाज आती है वैसा नहीं है ये सो येस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस सो द नेक्स्ट पेयर ऑफ फ्लैट्स आर दीज एंड कैन यू आई सी दीज लुस सो ब्यूटिफुल सो मैंने इसे ग्रे शेड में पिक करा है इसमें दो तीन और कलर्स थे वैसे तो मुझे मस्टर्ड लेने का काफी ज्यादा मन था फिर पता नहीं क्यों लास्ट मोमेंट पर जाकर मैंने ग्रे ही पिक कर लिया एंड आई थिंक दिस लुक्स वेरी गुड सो जो इसका जो ये वाला मटीरियल है ना ये थोड़ा कुशनी टाइप का है सो येस द मटीरियल इज गुड एंड इसमें आपको फ्रंट में ऐसे दो स्ट्रैप्स मिल जाते हैं प्लस आपको ये ऐसा सैंडल टाइप का इसमें इफेक्ट मिल जाता है तो इसमें आपको वो जो टाई करने वाला बकल वाला जो इसमें डिटेलिंग था वैसा नहीं है इसमें थोड़ा टाइम लगता है पहनने में बट इसमें आपको सिंपली अपने पैर डालने हैं अंदाज सेट सो येस काफ़ी हैंडी है ये मतलब एक बार में ऐसे पहन लो चल दो कहीं पे भी ऐसे टाइप का है सो so, जो इस सैंडल का मटेरियल है ना ये आई गेस इसे क्व्रॉय मटेरियल कहते हैं या वेलवेट कहते हैं नो दिस इज़ नॉट वेलवेट दिस इज़ कॉर्ड ड्राए ओनली वैसे टाइप का मटेरियल है सो so ये डस्ट थोड़ा जल्दी कैच करता है सो so इसे काफ़ी अच्छे से मुझे स्टोर करके रखना पड़ेगा अपने शू रैक में अदरवाइज दिस इज़ लाइक अ सुपर डुपर गुड प्रोडक्ट एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बाय द वे मैं साइज़ बता दूँ इसमें मेरा साइज़ है यू के एट तो जो फोर्टी वन साइज होता है वो है ये एंड जो फर्स्ट मैंने पिक करा था उसमें भी मेरा सेम ही साइज़ था इसमें आपको यू के नाइन तक का साइज़ मिल जाएगा सो so येस yes, अगर आपकी फीट मुझसे भी बड़ी है तो डोंट यू वरी आपको मिल जाएगा अपना साइज तो so, जो मैंने नेक्स्ट पेयर पिक करा है वो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लैक सैंडल्स एंड अभी कैमरे में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा बट ये पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है लाइक like, इसके फ्रंट में ये आपको ऐसे टाइप का ऐसे एक पतला सा ब्रेडेड टाइप का स्ट्रैप मिल जाता है विच इज़ वेरी स्लीक एंड वेरी स्टाइलिश एंड देन पीछे आपको ये नॉर्मल जो ऐसे सैंडल में हमें आता है वैसे टाइप का ही इसका बैंड है इसकी आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी हील है सो so यस yes, ये प्लेटफॉर्म हील है एंड मुझे जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हील लगती है वो यही वाली है प्लेटफॉर्म हील्स इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं एंड आपको थोड़ी बहुत हाइट भी प्रोवाइड कर देती हैं सो so, ये सैंडल्स काफ़ी ब्यूटीफुल हैं एंड इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक डस्टी पिंक रोज पिंक टाइप का कलर था वो मुझे पिक करना था एक्चुअली बट देन आई थॉट कि यार ब्लैक पिक कर लेते हैं बिकॉज सेफ रहता है क्वालिटी इसकी उतनी कुछ खास नहीं है मैंने इसके लिए पे करा था आई गेस थ्री सेवेंटी और थ्री एटी रुपीज़ सो ये इसकी क्वालिटी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है बट यू कैन डेफिनेटली डू विद दीज एंड पहनने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा सही लगता है बहुत स्टाइलिश लगता है सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने कुछ चप्पल पिक करी है फ्रॉम अमेजोन एंड कभी कभार कभी कभार नहीं एक्चुअली बहुत सी बार ऐसा होता है कि मैं चप्पल पहन के घर से निकल जाती हूँ सो so, मुझे थोड़ी ऐसी स्टाइलिश टाइप की चप्पल चाहिए थी सो so, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं पिक्चर में ऐसी दिख रही थी ये पिक्चर में बट रिसीव मुझे कुछ इस तरह के से हुई है सो so, पिक्चर uh, से तो वैसे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है बट मुझे ये नहीं पता था कि इसका जो ये मटीरियल आएगा ये कुछ ऐसे टाइप का आएगा एज यू गाइज कैन सी कि इसका मटीरियल थोड़ा डिफरेंट है लाइक like, उतना कुछ अच्छा खास मटेरियल नहीं है इसका उल्दू पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चुपरा या कुछ इसका सोल का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है इसमें जो ये ये रेडियम टाइप का कुछ इफेक्ट दिया हुआ है होलोग्राफिक टाइप का प्रिंट दिया हुआ है इसमें सो so वो मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगता मतलब क्लासी नहीं लगता है मुझे उतना ज़्यादा एंड आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ होलोग्राफिक प्रिंट एज आई सेट कि मेरा साइज़ है यू के एट सो वो 41 रहता है बट ये मुझे 37 साइज में रिसीव हुआ है तो ये मेरे पैर के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो वैसे भी मुझे इसे रिप्लेसमेंट तो करवाना ही पड़ता मुझे इसका बट आई डोंट थिंक सो आई विल गो फॉर रिप्लेसमेंट आई विल प्रॉबेबली रिटर्न इट बिकॉज येस आई डोंट लाइक इट दैट मच बाकी तीन फुटवेयर तो तब भी काफी अच्छे हैं लाइक like, जो फर्स्ट टू मैंने दिखाया दोज आर माई फेवरेट फ्रॉम दिस हॉल तो मैंने थर्ड वाला आपको दिखाया दैट इज़ लाइक ओके ओके एंड दिस वन इज़ लाइक आई डोंट लाइक इट एंड बहुत से लोगों को ये पसंद भी आ सकता है बिकॉज इसके रिव्यूज़ में काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ डले हुए थे सो so ये yes, सबकी चॉइसिस अलग अलग होती हैं सो so हो सकता है कि आपको ये पसंद आ जाए एंड मैंने रिव्यूज़ देख के ही लिया था बिकॉज ऐसे ही जाकर मैं कुछ भी नहीं उठा लेती हूँ मैं पहले रिव्यूज़ चेक करती हूँ अगर प्रॉपर रिव्यूज़ दिए रहते हैं तो वही मैं जाके लेती हूँ सो गाइज दैट वॉज एट फो टू डेज वीडियो आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आइए तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है आपको इस वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है चैनल के साइड में जो बेल नोटिफिकेशन बटन है उसे प्रेस करना है सो दैट आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो एंड दैट नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय टेक केयर